सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त पर यहाँ के कोई ना कोई जो लोगों तक हमारा मैसेज है वो पहुँचाते हैं। तो मेरे सभी आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो इस सूरत में मैं सभी से गुजारिश ये करूँगा कि कम से कम इस्तेमाल जो ज़रूरत की है अपने पंखा, अगर 2-3 कमरे के बजाय वो एक रूम में बैठ के पंखा इस्तेमाल करें या एसी इस्तेमाल करें तो कम से कम इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, ओवरऑल लोड जो है ताकि जितना कम रहेगा उतनी फ्लक्चुएशन भी कम रहेगी, उतनी कट भी कम लगेंगे। तो मेरे लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो बिजली का जायज़ इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सभी लोग एक जगह बैठ के उसका ज़्यादा हर कमरे में हर या जगह पंखा एसी हीटर गीज़र ये ऑन करके ना रखें। कोशिश करें कम से कम लोड इस्तेमाल करें ताकि इनको मतवातर पावर मिल सके, ब्रेक डाउन या कट ना लगे। देखें, हमारी इंस्पेक्शन टीमें भी इस वक्त इलाके में रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही हैं। हमें जहां कहीं भी हमें इलीगल या हमारे साथ जो एग्रीमेंट से ज़्यादा लोड पाया जाता है हम वहां फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं, उनका वो रिकवरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम भी ताकि कम से कम इस्तेमाल लोग जो ये हीटर बॉयलर का करें ताकि लोगों को स्मूथ पावर मिल सके। उस सूरत में ये है कि हमारे पास बफ़र होता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर, कुछ ट्रांसफार्मर हम जो हैं वो यहाँ अवेलेबल रखते हैं, उनको रिपेयर करके रखते हैं। जब कोई डैमेज आता है हम उसकी जगह दूसरा भेजते हैं तो उसको वो टाइम हमें मिल जाता है उसको रिपेयर करने का, फिर हम दूसरी जगह कहीं उसको दे देते हैं तो उनको हम दूसरा दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लोड बढ़ता जाएगा तो ये डैमेज भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जितनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जब लोड इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर तो उसने तो जलना है। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो कोशिश करें कि जितनी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर अंदर ही उसके ऊपर लोड रखें और अपना लोड को डिपार्टमेंट के पास डिस्क्लोज करें अपना, ताकि हमें भी पता चले कि इस ट्रांसफार्मर पे कितना लोड है, हम उस हिसाब से उसकी ऑगमेंटेशन या उसकी जो कहीं नियर बाई क्रिएशन का प्रपोजल में डालें।